दोस्तों, आज 21 अगस्त 2023 को DSSSB की तरफ से एक भर्ती रद्द की गई है। हाँ जी दोस्तों, एक रिक्रूटमेंट कैंसिल कर दी गई है। नोटिस अपलोड हो गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। किस पोस्ट कोड की बात हो रही है, बिल्कुल विस्तार से सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और DSSSB से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, ये नोटिस आपको DSSSB.delhi.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। और यहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसमें वैकेंसी है। वैकेंसीज में करंट वैकेंसीज के सेक्शन पे सबसे ऊपर आज 21 अगस्त 2023 को ये अपलोड हुआ है। ये है दोस्तों नोटिस, 18/8/2023 नोटिस पे डेट डली हुई है। अपलोड आज 21/8/2023 को हुआ है। दोस्तों, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की रिक्रूटमेंट आई थी, पोस्ट कोड 803/22 और एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/22 के माध्यम से। NDMC के लिए वैकेंसियां थी, कुल 43 पद थे। तो इस भर्ती को कैंसिल कर दिया गया है DSSSB की तरफ से। आज ये रिक्रूटमेंट आई थी 3 जनवरी 2022 को। हाँ जी दोस्तों, 3 जनवरी 2022 को रिक्रूटमेंट आई और 21 अगस्त 2023 को इस रिक्रूटमेंट को रद्द किया गया है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, जरूर से जरूर बताइए। अगर कोई रिक्रूटमेंट का प्रोसेस रद्द भी करना है तो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आए उसके कुछ दिन के अंदर अंदर अगर रद्द हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। उस समय तक बहुत सारे कैंडिडेट तो प्रिपरेशन भी शुरू नहीं करते हैं, बाकी रिक्रूटमेंट निकालते ही क्यों है जब रद्द ही करनी होती है। 10 जनवरी 2023-22 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, 9 फरवरी 2022 तक ये चली थी और ये NDMC के लिए 43 पदों पे ये रिक्रूटमेंट आई थी जिसे अब रद्द कर दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी वीडियो के माध्यम से। आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।